कासिंग है, क्रिप्टो क्रेज चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो फिलहाल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट देखा जाए तो 2.14 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है और 0.92% इंक्रीज के साथ। हमें दो कॉइन अल्ट कॉइन के बारे में बात करेंगे जो फिलहाल हम उसके कॉइन को देखते हैं कि जिसका आप देख रहे हैं कि सोलाना सोलाना 132.87 डॉलर के आसपास इसकी मार्केट प्राइस है। 5.90% के आसपास ये 24 घंटे में अप है, अब चल रहा है। 7 दिन, 1 हफ्ते की बात किया जाए तो 20-32 के आसपास इसका मार्केट बैकअप होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जैसे कि आप बात करेंगे अल्ट कॉइन को, तो अल्ट कॉइन सभी मार्केट जैसे बिटकॉइन का प्राइस अगर जैसे रिकवरिंग होता है तो सभी कॉइन मार्केट में हल्का हल्का रिकवरिंग करने को देखने को मिलता है। जैसे कि बात कर लेते हैं सोलाना, XRP, कार्डानो, टेरा, लूना, एलोंचो, पोलकाडोट, ये सभी कॉइन दोस्तों थोड़ा सा हल्का हल्का मार्केट में थोड़ा ग्रीन ही दिखा रहे हैं। लेकिन हम जो अभी बाय करना चाहिए फिलहाल जो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिलहाल अभी वो सोलाना कॉइन है जिसका प्राइस हम आप खुद देख सकते हैं। INR में बात करें तो 132.8 पॉइंट के डॉलर के आसपास इसका मार्केट प्राइस है। 5.8% के आसपास अब चल रहा है दोस्तों। अगर हाई की बात करें तो 133.31 के आसपास इसका हाई बनाया। लो की बात करें तो 118.79 के पास आसपास इसका लो बनाया। अगर इसकी बात करें तो इथेरियम के को लेकर इस बहुत एक वो एक्साइट रहता है दोस्तों। इसमें कहे कि इथेरियम को किल करना है और इथेरियम की बराबरी करना है दोस्तों इस सोलाना का कॉइन को। तो फिलहाल इसका भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है जिसके आने वाले समय में अच्छा खासा ये कॉइन का जो हाई देखने को मिल सकता है, इसके प्राइस में इंक्रीज हो सकता है। और कुछ अभी तो फिलहाल इसका प्राइस अभी स्टेबल बना हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका आप खुद देख सकते हैं इसका अगर कोई बाय करता है तो आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट और जनरेट करके दे सकता है ऐसा कॉइन है दोस्तों। इसकी हम बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, उस कई प्रोजेक्टों को लेकर अभी फिलहाल ये काम कर रहा है जो आने वाले समय में इसका प्रोजेक्ट अच्छा खासा रिकवरिंग करने को देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसका बात करते हैं तो दोस्तों ये इसका मार्केट चार्ट देख लेते हैं तो खुद देख सकते हैं। जैसे रेड ग्रीन करके यहाँ बड़ा सा हाइप बना है दोस्तों। 132 के आसपास इसका हाइप आप खुद देख सकते हैं बनाया है। लेकिन इसका जो मार्केट है दोस्तों, इसका मार्केट है फिलहाल मार्केट में अच्छा खासा ये प्रॉफिट आने वाले समय में दे सकता है। लेकिन इसकी हम टोटल सप्लाई की बात करें दोस्तों तो इसका सप्लाई आप खुद देख सकते हैं इसका मार्केट चार्ट कितना का बना है। मार्केट चार्ट में इसका कम्युनिटी में आप देख सकते हैं कि कितना इसका सप्लाई बना है। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई दोस्तों ये बहुत मिलियनों में जाके सब सप्लाई हो चुका है। हम बात करते हैं सेकेंड कॉइन है दोस्तों, उसके बारे में बात करें टोरेंट जो भी फिलहाल आपको दिखाते हैं कि टोरेंट कॉइन भी अच्छा खासा मार्केट में अभी स्टेबल बना चुका है जो आने वाले समय में वो भी अच्छा ऐसा कॉइन है दोस्तों। फिलहाल उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका प्राइस भी INR में ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 0.73379 के आसपास इसका प्राइस है दोस्तों। ये एक इस भी कई प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है। इसका भी प्राइस चैनलिंग के बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन डॉलर के आसपास इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं इसका 0.74 के आसपास इसका लो बनाया था दोस्तों और 0.76 के आसपास इसका हाई। वन डे का चार्ट हम देख लेते हैं तो खुद देख सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं इसके साइड में, तो इसका फिलहाल इसका साइड देखते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इसका साइड में आप खुद जाके इसमें साइड में देखते हैं, कई प्रोजेक्टों के लेकर ये भी काम कर रहा है दोस्तों। फिलहाल इसका साइड में हम एक पकड़ देख लेते हैं तो कई लोग पार्टनरशिप के साथ ये काम कर रहा है अभी। तो फिलहाल पॉलीनेक्स के भी साथ इसमें जुड़ा हुआ है दोस्तों। हम बात करते हैं इसकी, जैसे कि स्विस ओपेरा एक साइड है दोस्तों, जैसे आप खुद मोबाइल में देखते होंगे कि ओपेरा एक नेटवर्किंग साइड है जिसमें इसमें भी पार्टनरशिप है। एक स्विस कॉम ब्लॉक चेन के साथ भी इसका पार्टनरशिप है दोस्तों। BTT टोरेंट जो नया वर्जन है ये लॉन्च किया है दोस्तों BTT टोरेंट। आप सैमसंग के तो सभी लोग जानते होंगे, सैमसंग के साथ भी इसका पार्टनरशिप है दोस्तों। फिर पॉलीनेक्स के साथ भी इसका पार्टनरशिप है दोस्तों। अगर ये एक बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के बारे में, अगर छोटे छोटे अमाउंट अगर लगा के इसमें अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं दे सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना चाहे तो दोस्तों तो ये अच्छा खासा आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अभी बात करें, अभी कभी बाय करना चाहिए दोस्तों कि जब इसका मार्केट प्राइस थोड़ा डिप में जाए तो इसको बाय करके ज़रूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ताकि अच्छा
रिकवरिंग मार्केट में हो तो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। बात करें तो 1% 2% तो ज़्यादा कुछ तो इसमें प्रॉफिट तो नहीं दे सकते, लेकिन जब 1x 2x 3x अगर इसमें अगर इतना रिकवरिंग होता है तो इसमें 10x तक अगर देता है प्रॉफिट तो अच्छा खासा है, मार्केट में अच्छा रिकवरिंग करने को देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।